देवराज, देखा आपने? महाराज हेमवंत कंदरा से अकेले ही लौट रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि शैलपुत्री ने कंदरा में ही रुकने का निर्णय लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है देवराज। निश्चित रूप से बहुत ही शुभ घटनाक्रम है ये, जब महादेव और माँ कंदरा में एक दूसरे के सामने होंगे तो दोनों साथ ही अपनी उपस्थिति का आभास पाने की, एक दूसरे को देखने की संभावना भी बढ़ जाएगी और ऐसा होते ही शक्ति शिव को और शिव शक्ति को अवश्य पहचान लेंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सती के आत्मदाह के बाद महादेव केवल निष्क्रिय ही नहीं हुए अपितु संसार से विरक्त भी हो गए और इन्हें स्थिति से बाहर लाने के लिए शैलपुत्री के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि माँ को तो पूर्व जन्म की कोई स्मृति ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानती कि वो जिनकी सेवा कर रही है वो कौन है। नारायण नारायण। माँ, देवी शैलपुत्री उस समय अपने अवतार में थी और उन्होंने महादेव को देखा भी नहीं था, इसलिए वो महादेव को पहचान नहीं पाई। परंतु महादेव को ये आभास क्यों नहीं हुआ कि जो उनके सामने है वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं उनकी प्राण प्रिया देवी सती का ही दूसरा अवतार है। और क्षण भर के लिए सही, परंतु महादेव ने देवी शैलपुत्री का स्वर भी सुना था, तो फिर वो अपने शक्ति के अवतार को पहचान क्यों नहीं पाए माँ? उसके लिए तुम्हें महादेव की अवस्था को समझना पड़ेगा सुपर। सती के जाने के बाद वो इस संसार से विरक्त हो गए, किसी भी प्रकार की भावना का अनुभव करना उनके लिए संभव नहीं था। कोई बंधन उन्हें बांधना तो दूर, छू तक नहीं सकता था। आंखें खुली होने पर भी वो इस संसार के किसी भी दृश्य को देखने में असमर्थ, बस वे अपने भीतर के प्रकाश को ही देखते रहते, उसी में खोए रहते। ऐसी अवस्था में उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, उनके मन में अपना स्थान बनाने के लिए शैलपुत्री को बहुत तप, जप और व्रत की आवश्यकता थी। उसके बाद ही वे अपने चिर साथी की प्रिया कहलाने के योग्य बन सकती थी। इसलिए उन्होंने ऐसा करना आरंभ कर दिया। कर चरण कृतम वाकायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम वीतम विहितम वा सर्वमेकष्मस्व वीतम विहितम वा सर्वमेकष्मस्व जय जय करुणाभे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाभे श्री महादेव शंभो। महा का सेवा भाव तो अद्भुत है। एक और देवी पार्वती महादेव शिव के इतने निकट होकर भी उनसे दूर थी और दूसरी ओर ब्रह्मदेव से वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत ही निडर और निरंकुश हो गया था, स्वयं को भगवान समझने लगा।
स्वर्ग का सम्राट कौन है ऋषियों? आप ही हैं स्वर्ग के सम्राट। आप ही हैं सम्राट। आप ही हैं सम्राट। तो फिर ये यज्ञ किसकी स्तुति के लिए होनी चाहिए? नहीं बोलोगे तो फिर ये लो। आपकी स्तुति के लिए अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो बोलो ओम तारका सुराय नमः। ओम तारका सुराय नमः। ओम तारका सुराय नमः स्वाहा। बोलो ओम तारका सुराय नमः स्वाहा। 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 ये क्या अनर्थ हो रहा है नारायण? उत्तम अति उत्तम स्तुति रुकनी नहीं चाहिए। तारकासुर हर मनुष्य और देवों से उनकी सिद्धि और शक्ति छीन रहा था और हर यज्ञ की आहुति का फल खुद लेता रहा। यज्ञ की आहुति ही हमारा आहार है और उसी आहार से हमें ऊर्जा मिलती है और यदि इसी प्रकार तारकासुर के लिए यज्ञ होते रहे तो हमारा तो आहार ही समाप्त हो जाएगा। ओम तारकासुराय नमः स्वाहा। तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका अंत केवल महादेव और पार्वती के मिलन से ही संभव हो सकता है। इतने निकट होकर भी ये एक दूसरे से कितने अनभिज्ञ हैं। महादेव तो विरक्त थे ही, इनकी सेवा करते करते माता पार्वती भी इनकी जैसी ही हो गई। ब्रह्मचारिणी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। जब तक इन दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न नहीं होगा ये एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, इनका विवाह नहीं होगा तब तक इनका पुत्र भी जन्म नहीं ले पाएगा और उस क्षण तक संसार को तारकासुर के अत्याचार सहने पड़ेंगे। हमें किसी भी मूल्य पर महादेव को विरक्ति की स्थिति से बाहर निकालना होगा देवराज। इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही सामर्थ्यवान है जो इस कार्य को कर सकता है, कामदेव। परंतु देवराज, क्या कामदेव मानेंगे? Thank you.
प्रिय रति कहाँ हैं आप? कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छल छबीरी। प्रिय रति कहाँ हैं आप? मधुर सजीरी कामिनी नारी नवेली, रंग रंगीले होठ रसीले नैन बड़े कजरारे। एक झलक जो देखे कोई तनवर जीवन हारे। तो आप यहां हैं? स्वामी आप? क्या हुआ प्रिय, आपके मुख पर उदासी क्यों छाई है? न जाने क्यों आज अत्यंत विचलित अनुभव कर रही हूं। मन में विचित्र सी अशांति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला। मेरी दाई आंख भी फड़फड़ा रही है। बहुत चिंता करती हैं आप। जब तक हम आपके साथ हैं तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। किंतु स्वामी, कामदेव, आपका स्वागत। प्रणाम देवराज। लगता है पूरी सृष्टि में बस आप दोनों ही हैं जिनके नित्य कर्म पर तारकासुर के अत्याचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसी बात नहीं है देवराज, मुझे जब भी अनुचित इच्छा का आभास होता है उसके फलीभूत होने के कारण दुख, बुराई, अत्याचार को बढ़ता हुआ देखता हूं तब मुझे बहुत दुख होता है। तो फिर उस दुख को दूर करने के लिए आप कुछ करते क्यों नहीं कामदेव? देवराज, जब आप सभी देवता मिलकर उसे नहीं रोक पाए तो मैं उसे कैसे रोक सकता? आप संसार के सभी प्राणियों में काम भावना को जागृत करते हैं, पर इस समय उस भावना को जागृत करना जहां सबसे अधिक आवश्यक है वहां आपके होते हुए भी विरक्ति क्यों है कामदेव? हमने देवर्षि नारद की सहायता से बहुत कठिनाइयों के बाद देवी पार्वती और महादेव को निकट पहुंचाने की व्यवस्था की थी, पर यदि महादेव समाधि से ध्यान हटाकर उनकी ओर देखेंगे नहीं तब तक उनका मिलन कैसे होगा, उनका विवाह कैसे होगा और फिर उस पुत्र का जन्म कैसे होगा जो तारकासुर का वध करने में सक्षम होगा? आप सीधे शब्दों में अपनी बात रखेंगे तो हमें भी समझने में आसानी होगी देवराज।
क्या अपेक्षा है आपको मेरे पति से? आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा कामदेव। महादेव को विरक्ति की अवस्था से बाहर लाना होगा और ये तभी संभव है जब आप उन पर अपने काम बाण का प्रयोग करेंगे। नहीं देवराज, यह संभव नहीं। जब साधारण योगी भी अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है तब उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर आप जिनकी बात कर रहे हैं वह तो आदि योगी है, स्वयं महादेव। मैं उनकी समाधि को कैसे भंग कर सकता हूं? यदि आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा कामदेव? दानवीर की परीक्षा दान के समय होती है, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, स्त्री की परीक्षा तब होती है जब उसका पति असमर्थ हो जाए, और मित्र की परीक्षा तब संभव है जब उसके मित्र पर विपत्ति छाई हो। हां, मैं मानता हूं कि मैं देवराज इंद्र हूं, पर आपके साथ सदैव मैंने एक मित्र के समान व्यवहार किया है। यही समझ लीजिए कि आज आपको अपनी मित्रता की परीक्षा देनी है, पर इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कामदेव। इस जगत के कल्याण के लिए आवश्यक है ये। और आपने तो ये बात सुनी ही होगी कि तारकासुर ऋषियों से अपनी पूजा आरंभ करवा चुका है। यदि आप चाहें तो मैं उन ऋषियों के तप को भंग कर सकता हूं। उस तारकासुर को कामवासना में लिप्त कर सकता हूं, परंतु महादेव, उनकी समाधि को भंग करना यह मेरे सामर्थ्य में नहीं। और इस दुस्साहस का केवल एक ही परिणाम होगा, विनाश। क्षमा कीजिए देवराज, किंतु मैं अपने पति को इतने बड़े संकट का सामना करने नहीं दे सकती। तो फिर हमें भी क्षमा कीजिए देवी रथी, पर संकट का सामना तो इन्हें करना ही पड़ेगा। यदि महादेव पर अपने काम बाण का प्रयोग करके ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो स्वयं मैं इनके लिए संकट बन जाऊंगा। अभी तक एक मित्र की तरह इनसे विनती कर रहा था, पर अब देवराज होने के नाते मैं इन्हें आदेश दूंगा, और मेरी आज्ञा का ना पालन करने का केवल एक ही अर्थ होगा, दंड। प्रभु, इंद्रदेव ने ये उचित नहीं किया था, वो जानबूझकर कामदेव के प्राण संकट में डाल रहे थे। नहीं मूषक जी, देवराज जो कर रहे थे वो संसार के कल्याण हेतु कर रहे थे, उनके पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। तो क्या देवराज इंद्र की बात मानी कामदेव ने? क्या तारकासुर के अंत का आरंभ हुआ?